हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज 13th डिसम्बर। चलिए देखते हैं आज क्या था। पहले हम नोट करते हैं कि आपने देखा होगा 11th और 12th को नहीं आया। 11th को कोई न्यूज़ नहीं थी कि जिसके नोट्स बनाए जा सकें। 12th को ज़रूर थी, बट आपको पता है जैसे फार्मर्स का एजिटेशन ख़त्म हो गया है तो भी ये लोग घर वापस जा रहे हैं अपने, तो आई थिंक उस वजह से यहाँ पर हमारे नेट बहुत स्लो कर रखा था। तो वीडियो तो हमने बना ली थी बट अपलोड नहीं हो रही थी, तो इसलिए आज दोबारा से हमने अपलोड करी है, दोबारा से बना रहे हैं वीडियो, ताकि अब 12th और 13th का आपको इकट्ठे बता दें। पेज वन पे छोटा सा एक दे रखा था कि इंडिया का जेस्चर, कि कैसे इंडिया तालिबान जो रूल्ड अफगानिस्तान है उसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है, बेसिकली मेडिसिन और मेडिकल सप्लाईज भेज रहा है उनको, ताकि वो ओवरकम कर सकें जो वहाँ पे बुरे हाल चल रहे हैं अफगानी पीपल्स के। तो उसके ऊपर कुछ अभी ऐसा बुझाने की जरूरत नहीं है, बट अपने को पता होना चाहिए कि क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा। उस प्लेज 6 पे था, आपने देखा होगा कि यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगा रखी हैं बांग्लादेश की फोर्स पे, तो उसमें एक एक्ट का नाम दे रखा था, ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछ सकते हैं कि किसकी है, ये यूएसए की है। ये मैग्निट्स्की एक्ट जो है ये नेम हुई थी आफ्टर रशियन लॉयर, एक रशियन लॉयर थे बेसिकली, इन्होंने करप्शन एक्सपोज की थी पुटिन एडमिनिस्ट्रेशन में और ये प्रिजन में ही मर गए थे 2009 में। तो उसके नाम के ऊपर यूएस ने इस एक्ट का नाम रखा हुआ है। इसमें बेसिकली क्या करता है, यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है और डिनाई कर देता है वीज़ा टू यूएस उन फॉरेन पर्सन आइडेंटिफाइड जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ में जिनका नाम हो या करप्शन में जिनका नाम हो, और सिर्फ पर्सन की बात नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन पर भी लगा देता है, उनके हेड्स पर भी लगा देता है, ठीक है। उसके बाद एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आपने देखा, जब नागालैंड में हाल हुआ था अभी हाल फिलहाल में, तो उसकी वजह से AFSPA बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है। तो AFSPA का बहुत ही, मैं देखिए अगर आप कहेंगे तो मैं बना के दे सकता हूँ आपको, बट बहुत ना इजी लैंग्वेज में, इजीली अंडरस्टैंडेबल तरीके से दे रखा था कि कल के न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में, कि व्हाट इज़ AFSPA, उसका ओरिजिन क्या है, कब बना था वो, बेसिकली आज़ादी के टाइम पे बना था, फिर वो एक्ट प्रॉपर कब आया, कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में ये नोटिफाइड है, कौन कौन नोटिफाई करता है इसको, इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, और क्यों इसको रिपील करा जाना चाहिए, क्या आर्म्ड फोर्सेस को पावर्स मिलती हैं। तो उसको पूरे ही पूरे आर्टिकल को, उसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट कर लेना आपने, उसमें काट के प्रिंट उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये थी कल की न्यूज़, आज का देखते हैं 13th डिसम्बर का। 13th डिसम्बर में बेसिकली आज एक एडिटोरियल बहुत अच्छा आया होगा, जो डेमोक्रेटिक समिट चली थी इसकी, जो बिडेन ने चलाई थी, इसके ऊपर हमने कहा था कोई आर्टिकल आएगा तो हम ज़रूर इस पर डिस्कस करेंगे। तो एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखेगा, कि इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन लास्ट ईयर यूएस ने, जो प्रेसिडेंट है जोसेफ बिडेन, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम समिट फॉर डेमोक्रेसी रखेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड के अंदर हम देख रहे हैं अथॉरिटेरियनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हम इसके खिलाफ और फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हम ऐसे एक समिट रखेंगे। अब इस समिट में हमने देखा 110 नेशंस इनवाइट किए गए, इट मस्ट बी क्रेडिटेड कि हाँ देखो इतने लोग आए हैं, बट कुछ ट्रबलिंग क्वेश्चंस भी सामने आए हैं। एक तो वहाँ के जो डिपार्टमेंट ने आर्बिट्रेली रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करी इनवाइटी लिस्ट पे, वो थोड़ा सा उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है। जैसे साउथ एशिया की बात की जाए तो पाकिस्तान को इंक्लूड करा इंडिया नेपाल के साथ, बट बांग्लादेश भूटान और श्रीलंका को बाहर रखा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ये था कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी या इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स क्राइटेरिया था, तो कोई भी मेरे ख्याल से कंट्री क्वालिफाई नहीं कर पाती, या कौन सी किस कंट्री को आप क्वालिफाई कराते वैल्यू बेस्ड जजमेंट के ऊपर। और दूसरा इस पर क्रिटिसिज्म रहा है कि इन्होंने चाइना और रशिया को एक्सक्लूड किया है, और बल्कि जॉइंट एडिटोरियल आया है रशिया चाइना ने, कहा है कि हमारे स्टेट्स जो हैं, जो दोनों कंट्रीज़ हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं प्रैक्टिस में, और यूएस के ऊपर बल्कि उन्होंने लांछन लगाया कि भैया आपने जो रिजीम चेंज और डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए था इराक, लिबिया और अफगानिस्तान में, तो दुनिया देख रही है क्या हालात आपने उनके कर दिए, ठीक है। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा इसके लिए, बहुत लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा पॉइंट अच्छा दे रखा था उसमें। बिडेन ने कहा है कि हम हेल्प करेंगे फ्री मीडिया के लिए, इंश्योर करेंगे फ्री इलेक्शंस, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, और उनका है कि अथॉरिटेरियनिज्म, करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है ये कई चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी में। मोदी जी की बात भी लिख देना, मोदी जी ने कहा है कि इंक्लूजन, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पॉन्सिव ग्रीवेंस, रिड्रेसल, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये हमारा है इंडियन डेमोक्रेसी का, अपनी अपनी बढ़ाई करिए सबने बेसिकली। कईयों ने एक्यूज़ किया बिग टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं और सोशल मीडिया को कि ये डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म फैला रहे हैं, और कईयों ने बात करी इम्पैक्ट की, थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए कि सबने, मतलब 110-122 कंट्रीज आई थी तो क्या मेजर बातें हुई हैं, किसी ने क्लाइमेट चेंज की बात करी, किसी ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करी।
कहते हैं लास्ट में आपकी इसका कंक्लूजन बहुत अच्छा है कि डेमोक्रेसी जो एक चैरिटी की तरह होता है विच बिगिंस एट होम, तो ये ऐसे इंटरनेशनल प्लेजेस देने से अच्छा, समिट लेवल कॉन्फ्रेंस करने से अच्छा इलेक्टेड लीडर्स को ये होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉमिसेस जो उन्होंने फ्रीडम और इक्वालिटी का किया था अपने लोगों को वो अपने देश में करके दिखाएं और अपना देश सुधारें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर एक सेक्शन 124A का देखा होगा आपने, कल भी बहस चल रही थी, आज भी बहस चल रही है, तो हमें ना ये टाइमलाइन के हिसाब से देना चाहिए कि कैसे कैसे हुआ था ये, तो एक दिन के लेक्चर में कभी नहीं होगा। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है 23rd February थोड़ा बेसिक्स, फिर 5th March, 1st June, 4th June, 16th July ये ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेक्चर्स थे जिसमें हमने 124A बड़ा अच्छे तरह डिस्कस किया था, बट अभी फिलहाल इतना ही करिए आप, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।